हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति से आप लोगों को डर लगता होगा तो इतना आसान भाषा में बताएंगे कि आप लोगों को किसी भी त्रिकोणमिति के बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 8.4 या 9.1 के सभी त्रिकोणमिति को आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला को देखेंगे और थोड़ा बेसिक बनाएंगे, उसके बाद एडवांस तक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला के देखते हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा, एल ए एल बटे के ए, इसको याद रखिएगा। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, इसको शुरुआत वाला लिखेंगे, लॉम बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लॉम बाटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा कर्ण। ये है तो लिखेंगे आधार बाटा कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लॉम बाटा आधार। साइन के उल्टा होता है कौशिक, साइन के उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक थीटा बराबर लिखेंगे, एक बिल्कुल उल्टा कर देंगे, नीचा वाला लिख देंगे ऊपर, नीचा कर्ण है तो ऊपर हो जाएगा कर्ण, ऊपर लंब है तो नीचे हो गया लंब। फिर अब कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि इसको उल्टा लिख दिए। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, इसका उल्टा लिख देंगे तो ऊपर हो जाएगा आधार, आधार अब बाटा हो जाएगा लॉम्ब। यह बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर वन बाय कॉस थीटा, क्योंकि साइन के उल्टा कौशिक होता है। और फिर लिखेंगे कौशिक थीठा बराबर वन बाय साइन थीठा, साइन के उल्टा कौशिक होता है तो कौशिक के उल्टा साइन हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे कौश थीठा बराबर वन बाय सेक थीठा, क्योंकि कौश के उल्टा जो होता है सेक होता है, तो इसको इसका उल्टा लिख दिए। अब इसके आगे लिखेंगे sec थीटा बराबर वन बाय tan थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, tan के उल्टा होता है cot, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर वन बाय cot थीटा। अब फिर अब इसका उल्टा लिख देंगे cot थीटा बराबर हो जाएगा वन बाय tan थीटा। अब यहाँ पर जैसे इसको हम लोग बनाएंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के लिखेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ समझा दे रहे, इसे लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा के माने होता है लंब बटा कर, या लिखेंगे लंब बटा कर, और कॉस थीटा के माने होता है आधार बटा कर, तो लिखेंगे आधार बटा कर। जब कोई बाटा में है, यानी कि बाटा का मतलब भागा होता है, जब किसी को भी इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला का ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा लॉम बाटा कर, लॉम बाटा कर गुना हो जाएगा कि बाटा में, यानी कि भागा में जब ऊपर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा कर्ण और बाटा आधार, कर्ण बाटा आधार। तो कर्ण से कर्ण कट गया और आ गया लंब बटा आधार। लंब बटा आधार जो है टैन थीटा के मान होता है, यानी कि हमको ये जो मान आया है ये टैन थीटा के मान है, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको फार्मूला का हम लोग कैलकुलेशन किए हैं तो आ गया है टैन थीटा, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस
थीटा। अब जब साइन थीटा के बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है तो इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। इसी की जगह पर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, अब इसको उल्टा कर देंगे नीचे वाला कर देंगे ऊपर तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि साइन के उल्टा कॉट होता है तो इसमें उसको लिख दिए। ये जो है बेसिक है इसको मिटका दे रहे हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसके अलावा और भी बेसिक फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अब हम लोग और भी बेसिक फॉर्मूला जैसे हम यहाँ पर इसको बना दिए, इसका एक कोण जो है सम है, इसको हम लोग बोलते हैं सम कोण त्रिभुज। एक और सेम टू इसी प्रकार से बना रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी, इसमें किसी को भी हम लोग ए और किसी को भी बी मान सकते हैं। जो सबसे बड़ा होता है यानी कि जो जो सम कोण है इसके जो बिल्कुल सामने होता है यानी सबसे बड़ा इसको होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये हो गया कर्ण, इसमें भी हो गया कर्ण। लेकिन अब इसमें लंब और आधार, लंब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है और आधार ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब यहाँ अगर थीटा है तो जहां थीटा रहता है वहां पर आधार रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार, और जहां थीटा नहीं रहता यानी कि थीटा से अलग रहता है लंब, तो यहाँ हो गया लंब। लेकिन अगर इसमें हम लोग यहाँ पर थीटा रखते हैं तो बहुत कोई क्या करता है कि यहाँ लंब है तो यहाँ लंब रख देगा, तो गलती हो जाएगा। जब यहाँ थीटा है तो लंब हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा आधार। याद रखिएगा कि थीटा जहां रहेगा वहां लंब नहीं रहेगा, तो यहाँ थीटा है तो लंब इधर लिखेंगे इधर आधार लिखेंगे, और फिर इसमें यहाँ थीटा है तो यहाँ आधार लिखेंगे। थीटा के बगल में लंब नहीं लिखना है, थीटा से दूर लंब लिखना है, और कर्ण सबसे बड़ा होता है और थीटा के बगल में लंब लिखना है। अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा के बगल में लिख देंगे आधार, और सबसे बड़ा लिख दिए कर्ण, तो जो बचेगा उसको हम लिख देंगे लंब। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा नंबर कट सकता है। अब इसके अलावा अगर हमको कर्ण दिया है और निकालना है आधार या लंब तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ये सबसे बड़ा है इसके पास, मान लीजिए इसके पास 25 रुपया है, केवल मान रहे हैं यानी कि इसको केवल हम मान रहे हैं, यह सही नहीं है मान के बना रहे। अगर मान लीजिए 25 रुपया है और यह 16 रुपया है और ये 9 रुपया है, तो अब हम कहेंगे कि हमको मान लिया कर्ण नहीं दिया है इसका मान निकालना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि जब भी कर्ण का मान निकालना होगा तो आधार के लंब के जोड़ देंगे। लेकिन अगर इसी के जगह पर आधार नहीं दिया रहेगा, तो जब आधार नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कर्ण सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा है 25, तो मान लो यहाँ पर 16 नहीं दिया है तो 25 में से अगर 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। लेकिन अगर उसी की जगह पर 9 निकालना है यानी कि लंब निकालना है, अब कर्ण और आधार नहीं दिया है तो 9 तो छोटा है तो सबसे बड़ा में से इसको घटा लेंगे तो यह निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यहाँ पर इसको लिख दिए। ये जो है स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर यानी कि अगर इसको रूट में डालेंगे तो 5 बाहर निकलेगा, इसको हम लोग रूट में डालेंगे तो 4 बाहर निकलेगा, इसको रूट में डालेंगे तो 3 बाहर निकलेगा। अगर हम पहले से भी यहाँ पर 3 4 और 5 दिए रहते तो बोलते 4 और 3 ये हो जाएगा, तो नहीं होता क्योंकि 4 3 तो 7 हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 25 16 और 9 लिखे हुए थे, लेकिन यह रूट में था, यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से बना रहे यानी कि कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर के मान निकालना होगा तो दोनों को मान के जोड़ देंगे। तो अगर स्क्वायर हम इधर से उधर भेजते हैं, इधर अगर स्क्वायर है लेकिन जब बराबर के ऊपर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर, यानी कि स्क्वायर इधर रूट में आ गया, रूट अंडर लॉन्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि जब स्क्वायर इधर से बराबर के इस पर से उस पर गया तो रूट में हो गया, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर लॉन्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको निकालना होगा आधार तो लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा लॉन्ग स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली लिखते हैं आधार आधार
यहाँ पर स्क्वायर मान लीजिए आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉर्न स्क्वायर माइनस लॉन्ग स्क्वायर, क्योंकि बारह जब हमको छोटा निकालना होगा तो 12 में से दूसरा को घटा लेंगे, जब हमको आधार निकालते हैं इसमें से इसको घटा लिया यानी कि 25 में से 9 घटेगा तो 16 आ जाएगा, तो यानी कि आधार स्क्वायर बराबर हो गया कॉर्न स्क्वायर माइनस लॉन्ग स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर इसको खत्म हम लोग कर देते हैं, ई स्क्वायर जो इधर आ जाएगा ये हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब सेम टू इसी जगह पर अगर हम लिखते हैं लॉम्ब तो लिखेंगे लॉम्ब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यह रूट जो है आगे तक रहेगा यहाँ स्क्वायर रहेगा। यानी कि अगर हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लॉम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लॉम्ब स्क्वायर, और लॉम्ब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग को रूट नहीं लिखना डायरेक्ट लिखेंगे लॉम्ब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, याद रखिएगा कर्ण के मान जब निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और बाकी अगर किसी का भी निकालना होगा तो जिसका निकालना होगा उसको छोड़ के कर्ण में से जिसको नहीं निकालना होगा उसको घटा लेंगे। तो इसको इस प्रकार से याद रखिएगा इस तीनों फॉर्मूला को, इसके आगे और भी फॉर्मूला होता है इसको बता रहे। तो पहले एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है तो बिल्कुल इसको उल्टा कर देंगे। अब यहां लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, फिर दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा, अब लिखेंगे अब इसको उल्टा कर देंगे हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, फिर अब यहां पर बच गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, अब हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी फॉर्मूला होता है, और यह कहाँ से आता है आप लोगों को तो यह फॉर्मूला याद होगा लेकिन यह नहीं पता होगा कि आया कहाँ से है, तो इसको भी बताएंगे कि यह कहाँ से आता है। अब इसको मिटका के और भी फॉर्मूला बता रहे हैं, इसके अलावा थोड़ा और फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा वन, आई प्लस जब बराबर के उस पर जाएगा तो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अगर हम लोग को निकालना होगा कॉस के मान तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर एक लिख के समझा रहे, जैसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर रूट अंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट अंडर आ जाएगा, और ये जो है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा कभी कभी जरूरी आता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, अब लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा तो बराबर हो जाएगा, जब इसको हम लोग उस पर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा और ये प्लस में, लेकिन ये जब इधर से उधर जाएगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कि इसमें ही माइनस में आएगा वन। इसके अलावा अगर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा
और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब हम लोग डिग्री के मान देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार चिन्ह पार दिए और यहाँ लिख दिए 0 डिग्री, फिर चिन्ह पार के लिख दिए 30 डिग्री, फिर लिख दिए 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। हो गया, इसको ऐसे चिन्ह पार दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जैसे क्या करके यहाँ पर हम से 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से 4 तक लिख दिए, सभी के बाटा में लिख देंगे 4, 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
सबको रूट लगा देंगे, यानी कि सबसे पहले क्या किए कि एक से लेकर चार तक लिख दिए हैं, सबके बटा में चार लिख दिए हैं और सबको रूट लगा दिए, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। अब क्या करेंगे कि जीरो में चार आदमी से लगाए तो जीरो रुपया होगा और जीरो को रूट से बाहर निकालेंगे तो जीरो बाहर निकलेगा। फिर एक बटा चार आता है, एक को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, यानी कि लिखा हुआ रहेगा रूट अंडर एक, तो बराबर लिखेंगे रूट अंडर वन इंटू वन, यानी कि एक में एक से गुणा तो एक ही रहता है और रूट में जब दो गुणा रहता है तो बाहर निकाल देते हैं तो एक बाहर निकल गया। फिर इसके बाटा में है फोर, तो अगर यहाँ पर चार रूट में लिखा हुआ है तो लिखेंगे इसको टू इंटू टू, यानी कि दो गुने दो, तो अगर दो भी बाहर निकल गया तो इसमें रूट में कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ से रूट खत्म हो गया। अब यहाँ पर दो बटा चार आते कट जाएगा तो दो दूना चार, यानी कि एक बटा दो आ गया, ऊपर कुछ नहीं था एक, तो एक तो रूट से बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर लिख दिए एक, और रूट दो जो है बाहर नहीं निकलेगा तो रूट दो ही, रूट दो के रूट दो ही रह गया, रूट तीन बाहर नहीं निकलेगा तो रूट तीन ही रह जाएगा और चार के बाहर निकल जाएगा दो, और यहाँ पर रूट चार से, यहाँ पर चार है और बाटा में भी चार, चार से चार कट के आ गया वन, एक को रूट से बाहर निकालेंगे तो एक हो जाएगा। इस प्रकार को लिख लीजिएगा इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल उल्टा कर लिख देंगे, इधर वाला इधर लिखेंगे, यानी कि इसको हम लोग देंगे इधर, फिर इसको लिख देंगे इधर, और फिर इसको लिख देंगे इधर, फिर इसको लिख देंगे इधर, और फिर इसको लिख देंगे इधर, यानी कि इसको उल्टा लिख दिए, साइन के जो 90 डिग्री का मान था जीरो में लिख दिए, एक रंग उल्टा लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे टेन थीटा के मान, तो टेन थीटा में क्या करेंगे कि इस जीरो में से भाग देंगे, भाग तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे। मैं फॉर्मूला के जो पहले लिखे थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्यों आता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, जब उसको हम लोग कटाते हैं तो कट के आ जाता है टेन थीटा के मान, यानी कि आधा आ जाता है लंब बटा आधार आ जाता है इसका मान। तो अब यहाँ पर इसको बाटा में ही लिखने के लिए जीरो बाटा एक, यानी कि जीरो रुपया है आ एक आदमी हिस्सा उसमें लगाएगा, जब मेरे पास रुपया है या नहीं है आ एक आदमी हिस्सा लगाएगा तो उसको जीरो रुपया पड़ेगा, एक रुपया नहीं पड़ेगा, तो इसका मान आ गया जीरो, कितना आ गया जीरो। इसको हम लोग भागा देंगे रूट तीन बाटा दो से, तो यहाँ पर लिखेंगे भागा में रूट तीन और बाटा दो, तो भागा का मतलब गुना होता है, तो इसको क्या करेंगे एक बटा दो नीचे वाला लिख देंगे ऊपर, तो ऊपर हो गया दो नीचे हो गया रूट तीन, तो दो से दो कट गया यहाँ हो गया रूट तीन, तो ये हो गया एक बटा रूट तीन, यानी कि टेन तीस डिग्री का मान आ गया एक बटा रूट तीन। अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जब भागा देते हैं तो किसी भी संख्या में भागा देंगे, जब दोनों संख्या बराबर रहेगा तो एक ही ऐसा रहेगा, ऐसे हम लोग दस रुपया में दस से भागा देंगे, दस से कहीं दस कट के आ गया एक, अगर इसी की जगह पर भागा और बाटा एक ही होता है, याद रखिएगा भागा और बाटा दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो यहाँ पर फिर लिखिए दस कट के भी आएगा एक ही आएगा, तो यहाँ पर जब एक बटा रूट दो है फिर एक बटा रूट दो है, इसको गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो रूट दो से रूट दो कट जाएगा तो आ गया एक, और यहाँ पर रूट तीन बटा दो है, यहाँ पर एक बटा रूट दो है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो दो से दो कट जाएगा तो केवल रूट तीन आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा अपना से। अब एक रुपये में जीरो आदमी हिस्सा लगाएगा, माना कि रुपया मेरे पास एक है, हिस्सा लगाने वाला एको वो आदमी नहीं है, तो जब बाटा में जीरो आ जाता है, किसी भी संख्या के बाटा में अगर जीरो आ जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं अनगिनत, यानी कि अगर एक के कोई भी संख्या के बाटा में अगर जीरो आ जाएगा तो इसको हम लोग इनडिफिनिट कहते हैं, अनडिफाइंड, मतलब कि
यह इतना ज्यादा होगा कि हम लोग इसको गिनती भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आदमी हिस्सा लगाने वाला है ही नहीं है। और यहाँ पर रुपया कितना है, तो कितना रुपया, यहाँ तो एक रुपया, यहाँ कितना रुपया रहेगा। और जब बाटा में जीरो आ जाएगा तो उसको हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, यानी कि इनडिफिनिट, यानी कि अनगिनत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनडिफिनिट। साइन के उल्टा होता है कौशिक थीठा। अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि साइन के उल्टा क्या होता है, तो कौशिक होता है। तो साइन के उल्टा जब कौशिक होता है, जीरो को हम लोग उल्टा करेंगे, यानी कि जीरो को उल्टा जीरो, और बाटा में सबके कितना छुपा होता है, तो एक। तो जीरो को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो हो जाएगा एक बाटा जीरो, यानी कि यह अनगिनत हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा। बाटा में जीरो आ गया। अब दूसरा फिर है एक बटा दो, तो इसको उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो गया दो, और नीचे हो जाएगा एक। तो बटा में तो एक छुपा रहता, तो एक नहीं भी लिखेंगे। फिर नीचे दो है तो ऊपर हो गया रूट दो, और ऊपर कुछ भी नहीं, एक है तो नीचे आ जाएगा, तो एक तो छुपा हुआ रहता है। फिर इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा रूट दो, और नीचे हो जाएगा रूट थ्री। फिर वन है, इसको उल्टा करेंगे तो एक, और बटा में सब एक छुपा, तो एक है, तो एक उल्टा करेंगे तो एक। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कॉस है, कॉस के उल्टा होता है सेक, तब यहाँ पर एक थीटा भी रहता है। कॉस के उल्टा रहता है सेक, तब यहाँ पर एक है, तो एक के उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक के उल्टा एक ही होगा, क्योंकि एक के उल्टा एक, एक बटा में एक सुपर रहता है। फिर दो रूट तीन बटा दो है, तो ऊपर हो गया दो, और बटा हो गया रूट तीन। और फिर यहाँ पर एक बटा दो है, तो ऊपर हो गया दो रूट में, और नीचे एक तो छुपा हुआ रहेगा, फिर रूट दो है। और फिर जीरो को उल्टा करेंगे तो इनडिफिनिट। अब टेन के उल्टा कर देंगे कॉल्ट, जीरो के उल्टा हो जाएगा इनडिफिनिट, रूट तीन के उल्टा हो जाएगा एक बटा रूट तीन के उल्टा हो जाएगा रूट तीन, एक के उल्टा हो गया एक, और इसका उल्टा हो जाएगा एक बटा रूट तीन, और इनडिफिनिट के उल्टा हो जाएगा जीरो। अब इसको हम लोग याद रखेंगे इस प्रकार से, एक जो पहले फॉर्मूला बताए हुए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यानी कि जो भी फॉर्मूला आता है वो कहाँ से आता है जानना जरूरी होता है। तो साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होता है, तो साइन के उल्टा कॉस होता है, यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री के उल्टा करके हम लोग इधर देखते हैं कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री में से अगर जीरो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कहाँ से आता है, तो इसी फॉर्मूला से आता है, क्योंकि साइन के उल्टा मतलब उल्टा भर से, मतलब साइन में जो सीधा लिखा रहेगा वही चीज कॉस में उल्टा भर से लिखा रहेगा, इसीलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। टाइम में जो लिखा हुआ है उसका बिल्कुल उल्टा कोट में लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ इंडिफिनिट है, तो इसके इधर इंडिफिनिट है, इधर इसमें जीरो है, इधर जीरो है, इधर उठती है, मतलब कि टाइम के उल्टा कोट लिखा हुआ है, साइन के उल्टा कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस के उल्टा साइन लिखेंगे, साइन के उल्टा कॉस लिखेंगे, कॉस के उल्टा सेक लिखा हुआ है, यहाँ पर इंडिफिनिट है, यहाँ एक है तो यहाँ एक है, यानी कि ये जो फॉर्मूला आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई भी फॉर्मूला आता है तो यहीं से आता है। अगर हम लोग इस फॉर्मूला का याद रखते हैं इस ट्रिक से, तो हमको इस भी फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि टेन थीटा के मान जो है इसका बिल्कुल उल्टा इसमें किसका है, तो टेन थीटा के उल्टा कॉस थीटा है, क्योंकि टेन 90 डिग्री का जो मान है वह इसका जीरो डिग्री का मान है। इस फॉर्मूला से हमको इसको याद रखना होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको याद रखते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला को देखेंगे, इसी फॉर्मूला से इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। यानी कि इतना फॉर्मूला याद रखेंगे, अब बनाने का थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाने का लूर सीख लेंगे तो 40 नंबर 100% आ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, और इसमें जितना भी कन्फ्यूजन होता है सबको बताएंगे। अभी एक नंबर का, यानी कि ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन को लगभग 10 क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन को दे भी देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा के मान ज्ञात करें। यानी कि tan थीटा के मान है, tan थीटा बराबर है 3/4। अभी हमको क्या निकालना है, तो अभी हमको निकालना है cos थीटा प्लस sin थीटा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है log बटा आधार, यानी कि लंब बराबर हो गया, लंब बराबर हो गया 3, और आधार बराबर हो गया 4। यानी कि लंब के मान 3 हो गया और आधार के मान 4 हो गया। अब हम लोग कर्ण नहीं दिया था, कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखाए हुए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। आप लोग फॉर्मूला याद करके यहाँ पर लगा दीजिए, 3 × 9 अपना 4 × 16 रूट में हो गया 16, 16 9 25 हो गया, 25 से बाहर निकलेगा 5।
देखिए, यानी कि इसके अंदर दुगो होता है, रूट के अंदर दुगो रहता है, एगो बाहर निकलता है। मान लीजिए रूट लिख दिए 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 5, 5 × 5, तो दुगो सत्रह को बाहर निकाल दिए। अब हम लोग को यहाँ पर कर्ण के माना गया 5। अब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार बना भी सकते हैं, अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर इसे बन जाने वाला होगा बिना इसका चित्र बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने का कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कर्ण के मान आ गया 5, कर्ण के मान आ गया 5, यहाँ थीटा अगर है तो यहाँ लंब के मान है 3, आधार के मान है 4। अब हमको लिखना है कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा के मान होता है आधार बटा कर्ण, प्लस साइन थीटा के मान होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा के मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, कर्ण के मान 5 प्लस लंब के मान 3 बाई कर्ण के मान 5, तो दोनों के जब लंब टर्म ले लेंगे तो 5 आएगा 4 प्लस 3, ये हो गया 7/5, आ गया 7/5। तो इस प्रकार से इसको बना लग गया, तो बेसिक है। और फिर इसके आगे दूसरा क्वेश्चन को हम चलिए देखते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा के मान क्या होगा। यानी कि tan थीटा के मान दिया है, tan थीटा बराबर √3 दिया है, अब sec थीटा के मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसे तो कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसमें दो तरीका मेरे। सबसे पहला, इसके बाटा में कुछ भी नहीं है, इसके बाटा में एक मान लेंगे, तो यहाँ पर आधार और लंब के मान आ जाएगा, और sec थीटा के मान के लिए कर्ण के मान निकालेंगे, बना लेंगे, ये भी तरीका है। और दूसरा कि tan थीटा बराबर √3, यानी कि tan 60 डिग्री के मान होता है, tan 60 डिग्री के मान √3 होता है, तो √3 की जगह पर tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देगा और उसमें √3 या फिर कोई भी ऐसा दे देगा अंक जो कि डिग्री के मान में दिया हुआ था, उसमें से अगर कोई भी दे देगा तो हम इस प्रकार लिख लेंगे। अब थीटा बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि sec थीटा के मान क्या होगा, तब हम लोग लिख देंगे sec, थीटा के मान नहीं देंगे 60, 60 डिग्री के मान होता है 2, यहाँ पर लिख लिया 2, हो गया। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाते, इस प्रकार से भी बना सकते थे। हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार त्रिभुज बनाते, ज्यादा समय लगता, ए बी सी। अब यहाँ पर कुछ भी तो एक मान लिए, यहाँ पर एक मान सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटा आधार होता है, तो आधार के मान कितना दिया है, अगर यहाँ थीटा है तो आधार के मान 1 हो गया, लंब के मान √3 हो गया, और दूसरा और कर्ण के मान निकालेंगे, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √√ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब है 3, तो √√3² प्लस 1² हो जाएगा, 3 × 9 कितना हो गया, 9 रूट में है, लेकिन आई पूरा रूट में है, प्लस 1 के स्क्वायर एक आएगा, तो बराबर 9 में से 3 बाहर निकलेगा, 3 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 4, कितना हो गया 4, लेकिन 4 यहाँ कति में है, तो रूट में है, तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, इसका मान आ गया 2। अब यहाँ पर हम लोग sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, यहाँ पर sec भी लिख दे रहे हैं, sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 2 है, कर्ण का मान कितना है 2, आधार का मान कुछ नहीं, तो 1 दिया था तो 1 है, यानी कि 2 होगा, 1 तो छुपा हुआ रहता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी मीनार के जड़ से 100 मीटर की दूरी पर उसका उनियन कोण 30 डिग्री का बनता है, तो मीनार की लंबाई क्या होगी, यानी कि मीनार की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम एक मीनार बना रहे हैं, जब मीनार यहाँ पर है तो सूरज के प्रकाश इधर से पड़ेगा, तो इसका छाया जो है इधर पड़ेगा, तो छाया जो है 30 डिग्री के बन रहा है, कितना डिग्री के बन रहा है, 30 डिग्री के, तो यहाँ हो गया थीटा के मान 30 डिग्री, यहाँ हमेशा 90 डिग्री रहता है। अब यहाँ पर इसका मीनार की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते ए बी सी, कुछ भी लिख दिए, तो यहाँ पर मीनार की लंबाई पूछ रहा था, यही ना इसका मीनार की लंबाई है, और
100 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो यहाँ से बीसी का लंबाई है 100 मीटर है और इसका लंबाई हमको पता नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये है आधार और ये है लंब और ये है आधार। तो लंब आधार दिया है तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब टैन थीटा का मान लिख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा का मान हो गया 30। टैन 30 डिग्री बराबर लंब के मान कितना होता है दिया नहीं लंब के मान, तो लंब की जगह पर लंब लिखेंगे या एक्स भी लिख सकते हैं, हम लंब ही लिख रहे हैं लंब। अब आधार की जगह पर कितना दिया है तो आधार के मान 100 दिया है। अब टैन 30 डिग्री के मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा लंब अब बाटा हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे हम लोग इधर से इधर और इधर से इधर कर देंगे तो ये हो गया लंब अगुने √3 बराबर 100 अगुने 1। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में गुना किए, उसके ऊपर वाला से इसके नीचे वाला में गुना किए। तो यहाँ पर गुना में तो उसको उधर भेजेंगे तो कितने चल जाएगा, बाटा में चल जाएगा। तो यहाँ हो गया लंब बराबर 100 आई गुना में है तो बाटा में आ गया √3। इसका हम लोग हर के परिमेयकरण करेंगे, आप लोग 9th क्लास में हर के परिमेयकरण सीखे होंगे, इतना ही आंसर हो गया। लेकिन इसका हम लोग हर के परिमेयकरण करेंगे अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो। लिखेंगे 100 बाटा √3। परिमेयकरण का मतलब ऊपर भी √3 से गुना करेंगे और नीचे भी √3 से गुना करेंगे। यह हो जाएगा 100√3 अब हो जाएगा 3 × 9 रूट में हो गया 9 ये जगह 100√3/3 इतना इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, एग्जाम में जो है जो हम क्वेश्चन देंगे उसमें से भी आ सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।